नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके प्यार एवं सहयोग ने हमें इंडिया की नंबर वन एकेडमी फॉर कस्टम ब्रोकर्ड एंड जी कार्ड एग्जाम बना दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, हम यही आशा करते हैं। इन करंट ईयर CBLR 2023 एप कार्ड रेगुलेशन 6 एग्जाम रिटर्न एग्जाम में जो अपीयर हुए पैन इंडिया बेसिस हुए 2200 अप्रोक्सीमेट। उन 2200 एस्पिरेंट्स से जो टोटल पास हुए ओवरऑल इंडिया, वो 97 एस्पिरेंट्स ने क्वालिफाई किया। उन 97 एस्पिरेंट्स में जिन्होंने पैन इंडिया बेसिस पे क्वालिफाई किया, पैन इंडिया बेसिस पे हमारे 48 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए सिंगल बैच पास हुए। वो जो 97 पास हुए थे, ओबियसली वो इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए। इंटरव्यू एग्जाम हुआ उनका, और इंटरव्यू में आफ्टर इंटरव्यू जो रिजल्ट आया ओवरऑल, वो रिजल्ट आया 57 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ने क्वालिफाई किया टू गेट द लाइसेंस। उन 57 स्टूडेंट्स में से 39 स्टूडेंट्स पीएसपी एकेडमी के सिंगल एक बैच से थे। उन 39 स्टूडेंट्स में से पैन इंडिया बेसिस पे हमारे पास हर एक कमिश्नरेट से कुछ स्टूडेंट्स थे। मेजरली जो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हमारे पास 21 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 20 लोगों को लाइसेंस मिला। 20 को 17 स्टूडेंट्स हमारे पास मुंबई में थे, मुंबई में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, बट स्टिल हमारे 6 स्टूडेंट्स को लाइसेंस मिला। टोटल जो लाइसेंसेस मुंबई में अवार्ड हुए वो 11 स्टूडेंट्स को मिले, कैंडिडेट्स 11 थे जिनको फाइनली लाइसेंस मिला। उन 11 में से 6 कैंडिडेट्स हमारे, टोटल 44 अपीयर हुए थे ओरल एग्जाम। अहमदाबाद में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ विच 10 स्टूडेंट्स को लाइसेंस मिला, और 1 स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई, 1 फ्रॉम बैंगलोर, 1 फ्रॉम विशाखापट्टनम हमारे पास पैन इंडिया बेसिस पे स्टूडेंट्स थे। द आइसिंग ऑन द केक इज, सबसे अच्छी बात के वो लोग जो प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल सकते या हिंदी प्रॉपरली नहीं समझ सकते, द पीपल फ्रॉम बैंगलोर, विशाखापट्टनम, चेन्नई हैव ट्रस्टेड अस एंड पास द एग्जाम। तो एक स्टूडेंट हमारे पास चेन्नई से मैडम थी, एक स्टूडेंट हमारे पास बैंगलोर से थे, एक और मैडम हमारे पास बाइसेक विशाखापट्टनम से थी। तो इस तरह से पैन इंडिया बेसिस पे हमारा ये रिजल्ट रहा, और आप सभी के सहयोग, आप सभी के हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 की। दोस्तों, वैसे तो पीएसपी एकेडमी के 13 इयर्स के सफर में हमने कई टॉपर्स दिए, बट मोस्ट रिसेंट जो है सुमन कुमारी जी फ्रॉम दिल्ली, CBLR रेगुलेशन 6 पूर्वा शाह जी मुंबई से हैं, रिटर्न एग्जाम टॉपर 2022, जो कि ओरल एग्जाम के मार्क्स पब्लिश नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं पता होता है। तो टॉपर्स इन दिस एग्जाम, वेदर इट इज एफ कार्ड एग्जाम और जी कार्ड एग्जाम, ऑलवेज रिमेन्स फ्रॉम पीएसपी एकेडमी। एंड टॉप 10 में भी ज्यादा से ज्यादा हमारे ही स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, जो तरीका है, हमारा जो करिकुलम है, वो हमें सभी से अलग बनाता है। हमने ये कोर्स जो डिजाइन किया है वो बड़ा साइंटिफिकली किया है।
हम उस अप्रोच से पढ़ाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टडी कर पाए, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। विदाउट नॉलेज आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। तो हम वो एक सीड आप में डाल देते हैं जो आगे चल के सफलता के वृक्ष के रूप में सामने आता है। हम आपको एक्ट, रेगुलेशंस, रूल्स, नोटिफिकेशंस ना सिर्फ समझाते हैं पर पढ़ना और समझना भी सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं लोकेश श्रीवास्तव, मैं ESP एकेडमी में एज ए डायरेक्टर, कंसल्टेंट, एकेडमीशियन, ट्रेनर काम करता हूं। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं ESP एकेडमी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू इंपोर्टेड गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम ए वेयर हाउस इज द रेट इनफोर्स ऑन द डेट ऑफ। देखिए, वेयर हाउस से जब कोई माल क्लियर होता है तो उस पर किस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी इम्पोज होगी, इसके बारे में क्वेश्चन बात करें। सेक्शन 68 में जो क्लियरेंस होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन बात करता है, और ये रेट किस डेट की लगेगी वो सेक्शन 15 में दिया हुआ है। एंड सेक्शन 15 जो कहता है वो ये कहता है कि रेट ऑफ ड्यूटी उस डेट की लगेगी जिस डेट को एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स आउट ऑफ चार्ज की बात करता है, गलत है। फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, तो फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री यही सेक्शन 15 कहता है, तो ये करेक्ट आंसर है। अदर टू आंसर्स, फाइलिंग ऑफ होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग ऑफ वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री। वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो आपकी सेक्शन 46 में फाइल होती है, इसको इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। और फाइलिंग ऑफ होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री, होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री 46 में फाइल होती है। तो फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म आई आर एन इन रिस्पेक्ट ऑफ आइस गेट स्टैंड्स फॉर। आई आर एन जो होता है वो इमेज रेफरेंस नंबर होता है। जब आप अपलोड करते हो कोई डॉक्यूमेंट, ई संचित करते हो, तब आई आर एन नंबर आपको मिलता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है इमेज ऑफ रिकॉर्ड नोट नोटेड, इंटरफेस फॉर रिकॉर्ड नोटिंग, इंटरचेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड डी इज इमेज रेफरेंस नंबर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर ईपीसीजी स्कीम स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट शैल बी एंड ऑफ ईओ एज स्टिपुलेटेड इन द पॉलिसी। देखिए, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, उसमें एक नया प्रोविजन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, उनपे स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 75% ही आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आता है। उन प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करते हो अंडर ईपीसीजी लाइसेंस, तो आपका ऑप्शन ए 50%, बी 30%, सी 60%, डी इज योर 70%। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द कंट्रोल डिलीवरी कस्टम्स रेगुलेशन 2022, गुड्स डज नॉट इंक्लूड
देखिए कंट्रोल डिलीवरी रेगुलेशंस हैं, उसमें गुड्स की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करता है कि गुड्स में क्या शामिल नहीं है। अब जहां नहीं है वाली बात आती है, वहां क्या शामिल है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये बात करता है सिगरेट्स, तो सिगरेट्स उसमें शामिल है कंट्रोल डिलीवरी में। देखिए कंट्रोल डिलीवरी सिर्फ उन्हीं आइटम्स की है जिनका सबसे ज्यादा स्मगलिंग जिन आइटम्स की होती, तो सिगरेट्स उसमें से एक है, सिगरेट्स उसमें शामिल है। गोल्ड इन ओनली बुलियन फॉर्म, और डेफिनेशन जो कहती है इसकी वो कहती है गोल्ड इन एनी फॉर्म, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन गलत है या नहीं है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग काउंटरफीट्स, ये उसमें शामिल है, फेक करेंसी जो होती है शामिल है उसमें। नार्कोटिक्स ड्रग, ये तो इसका मेजर पार्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग्स तो उसमें शामिल है ही है। तो आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है गोल्ड इन ओनली बुलियन फॉर्म, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है गोल्ड इन एनी फॉर्म, राइट। सो यू बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग शैल डिसाइड वेदर एनी गुड्स और सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय यूनिट इन एसीजेट फॉर इट्स ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए कौन सा माल या किन सर्विसेज की एसीजेट को आवश्यकता है। तो ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर डिसाइड करेगा, अप्रूवल कमेटी डिसाइड करेगी, स्पेसिफाइड ऑफिसर डिसाइड करेगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर डिसाइड करेगा। देखिए सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं ऐसी जेड में वो डेवलपमेंट कमिश्नर को होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका डेवलपमेंट कमिश्नर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम इज बींट फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ। एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम जो है वो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किस आइटम के लिए। देखिए एडवांस एपीसीजी स्कीम में आप कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट कर सकते हो, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम में आप रॉ मटेरियल या इनपुट्स इम्पोर्ट कर सकते हो। उसका फर्स्ट जो लाइन है उस स्कीम की वही कहती है कि इनपुट्स विच इज फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज मीन फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स यूज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, मशीनरी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, इनपुट्स यूज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग कैन स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ कस्टम एरिया। सेक्शन 8 की बात करता है, सेक्शन 8 में लिमिट्स ऑफ कस्टम एरिया, कमिश्नर ऑफ कस्टम या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम हूएवर इज पोस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कमिश्नरेट वो डिसाइड करते हैं कि कस्टम एरिया कितना होगा, लिमिट्स क्या होंगे उसकी। तो ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी, नो ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम, ज्यूरिडिक्शनल एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। देखिए इसमें जो है बी आपका करेक्ट आंसर है, ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल गुड्स इंटेंडेड फॉर यूज इन एनी 100% ईओयू कैन बी कैप्ट इन ए वेयरहाउस टिल फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर परमिटिंग देम टू बी डिपॉजिटेड इन ए वेयरहाउस। जिस डेट को कैपिटल गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट करने की परमिशन मिली, उस डेट से लेके कितने टाइम तक आपकी कैपिटल गुड्स वेयर हाउस में रह सकते, वेयर हाउसिंग में प्रोविजन है कि जब 100% ईओयू होगा तो उसके लिए ना तो कैपिटल गुड्स के लिए कोई टाइम लिमिट है, ना आपके इनपुट्स के लिए रेवेन्यू गुड्स के लिए कोई टाइम लिमिट है। तो ये टाइम लिमिट की बात है, ए कहता है द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये नॉर्मल केसेस में है, द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स किसी के लिए नहीं है, द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का भी कोई कॉलम नहीं है, देयर क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, जब तक आप उसका क्लियरेंस की डिमांड नहीं करोगे, जब तक आप उसकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करोगे तब तक वो वेयर हाउस में रह सकता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, वी आर चूजिंग डी।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या ठीक नहीं है। देखिए जहां भी नॉट लगा हो ना वहां आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है, वहां आपको बड़ा स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या ठीक नहीं है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 आर एप्लीकेबल फॉर डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स वेयर इन। सेक्शन 15 कहां एप्लीकेबल नहीं है पूछता है, नहीं है। गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, यस इट इज एप्लीकेबल। गुड्स क्लियर्ड फॉर फ्रॉम ए वेयर हाउस, यस इट इज एप्लीकेबल, हमने पीछे बात की पिछले क्वेश्चन में। गुड्स इम्पोर्टेड बाई पोस्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 15 जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाई पोस्ट की कोई बात नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वॉट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट अंडर द कस्टम एक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन रिजल्टिंग इन द इशुएंस ऑफ SCN अंडर सेक्शन 28(1) and 28(4) from the date of initiation of audit. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और बड़ा कंफ्यूज है। ये उस तरह का क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। अब देखिए वो ये कहता है, what is the normal time limit under the Custom Act for the completion of any inquiry? इंक्वायरी के कंप्लीशन के लिए नॉर्मल टाइम लिमिट क्या है और इन्वेस्टिगेशंस रिजल्टिंग इन द इश्यूएंस ऑफ SCN अंडर सेक्शन 28(1) एंड 28(4)। जैसे ही आप 28(1) और 28(4) देखोगे आपको 28(9) जो मैंने नोट कर दिया है नीचे फॉर योर रेफरेंस, 28(1) आपको याद आ जाएगा, 28(9) आपको याद आ जाएगा। 28(1) देखोगे, 28(4) देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 28(9) जो कहता है वो 6 months और 1 year की बात कर, बट यहां क्वेश्चन स्पेसिफिक है और यही इसमें एक कैच है, एक ट्रिक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको आने वाला क्वेश्चन। 28(B) टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो 28(B) है कितना टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, 2 years plus 1 year, 2 years नॉर्मल टाइम लिमिट प्लस 1 year आफ्टर एक्सटेंशन। तो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 28(B) का, और 28(B) में जो टाइम लिमिट है From initiation of audit, वो है 2 years, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। फर्स्ट जो कहता है within 1 year, बी कहता है within 2 years, सी कहता है no limit, and डी कहता है within 5 years। तो ये बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है within 2 years। Coming to question number 11, who can be an AEO in CBIC's AEO program subject to criteria in this regard? कौन AEO हो सकता है ये पूछता है, सीधा सवाल है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हो सकता है ऑब्वियसली, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर यस हो सकता है, कस्टम ब्रोकर हो सकता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, After the grant of the registration of the notice filed by the right holder by the principal commissioner or commissioner on due examination under intellectual property rights imported goods enforcement rules 2007, the import of allegedly infringing goods into India shall be deemed. देखिए आपके पास आपने IPR में registration करवाया हुआ है, अच्छी बात है, but जब तक आप कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे अपने IPR के सर्टिफिकेट का, तब तक उसकी तो IPR में आपने कस्टम में सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन अगर करवाया हुआ है तब उस आइटम को, उस इन्फ्रिंजिंग गुड्स को आप क्या करते हो, कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा,
कस्टम डिपार्टमेंट उसको प्रोहिबिटेड की तरह ट्रीट करेगा, तो आपका आंसर जो है ए एज रेस्ट्रिक्टेड, बी एज प्रोहिबिटेड, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, एंड सी एज स्पेसिफाइड, डी नन ऑफ द अबव, सो योर करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिटेड. क्वेश्चन नंबर 13, द इंपोर्टर शैल नॉट बी लायबल टू पे द ड्यूटी लेवीएबल ऑन प्रिफर्ड इंपोर्टेड गुड्स इफ द गुड्स आर, सेक्शन 13 की बात करता है प्रिफरेंस ऑफ गुड्स, तो प्रिफर्ड आफ्टर द अनलोडिंग बट रिस्टोर्ड टू द इंपोर्टर आफ्टर प्रिफरेंस, चोरी हुई पर वापस रख दी गई, तो क्या होगा, तो आपको ड्यूटी तो देनी पड़ेगी. पर ये क्या कहता है, नॉट बी लायबल टू पे द ड्यूटी, ड्यूटी कब नहीं देनी पड़ेगी, तो बी कहता है पिल्फर्ड आफ्टर द अनलोडिंग बट बिफोर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, पिल्फरेज हुआ अनलोडिंग के बाद बट प्रॉपर ऑफिसर के क्लियरेंस देने के पहले, अगर पिल्फरेज डिटेक्ट हो जाता है पता लग जाता है आपको नहीं देनी होगी. Pilfered after the order of clearance made by the proper officer, एक बार proper officer ने out of charge दे दिया, उसके बाद उस proper officer की कोई responsibility नहीं है, वो pilferage होता है, कुछ भी होता है, आप जानते हैं, तो ये option गलत है, all of the above incorrect है, so your correct answer is B. Pilfered after the unloading, but before the order of clearance made by the proper officer. Coming to question number 14, where any duty has not been levied or not paid for any reason other than the reason of collision or any willful misstatement or suppression of facts, 28K4 की बात करता है, the person chargeable with duty or interest may pay before service of the notice. तो service of the notice के पहले क्या वो payment कर सकता है, तो 28K4 में ये provision है कि वो सर्विस ऑफ द नोटिस के पहले भी सेल्फ डिटर्मिनेशन पे पेमेंट कर सकता है. बी द ड्यूटी कैन नॉट बी पेड बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, इनकरेक्ट है. इफ द पर्सन चार्जेबल विद द ड्यूटी पेज द सेड ड्यूटी बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, एनी इंटरेस्ट पेएबल इज एग्जम्प्टेड. नहीं, इंटरेस्ट हमेशा देना होता है, कभी भी कोई भी आप ड्यूटी का पेमेंट करोगे, किसी ड्यूज का पेमेंट करोगे जैसे ड्रॉबैक, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, तो कभी भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो सी इज इनकरेक्ट, डी नन ऑफ द अबव, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, यस द पर्सन चार्जेबल विद द ड्यूटी और इंटरेस्ट में पे बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 9 वेयर हाउसिंग ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 shall not apply to any imported payable goods permitted to be stored in a public warehouse under the Customs Act 1962. Section 49 की बात करता है के chapter 9 warehousing के provisions कब apply नहीं होंगे, जबकि माल warehouse में रखा हुआ है, तो section 49 में ऐसा होता है कि chapter 9 जो warehousing से related है उसके provisions apply नहीं होते, भले ही माल आपका warehouse में रखा हो. So your correct answer is section 49 and other options are section 57, section 59, section 58, irrelevant. Coming to next, question number 16. Which of the following statement about notified goods is not correct? देखिए जहां भी not लगा हुआ है उसे ध्यान देने की जरूरत है. Notified goods, section 11. If any person intends to shift any notified goods to any other place, an intimation needs to be submitted to the proper officer. ये जो statement है, जब भी notified goods एक जगह से shift करना पड़ेगा, correct. And they are asking not correct. So this cannot be your answer. No person shall after the expiry of 30 days from the notified date keep or store any notified goods at any place other than the intimated place. ये जो आपका
स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। वेयर एनी नोटिफाइड गुड्स हैव बीन सोल्ड सच गुड्स शैल नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनलेस दीज आर अकॉम्पनीड बाय वाउचर। वाउचर जब नोटिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाउचर की जरूरत होती है। तो ये जो वाउचर है उसका जो पेंशन मिलता है मिलता है वो सेक्शन 11F में मिलता है। और ये जो ए ऑप्शन है इसका जो मेंशन मिलता है वो सेक्शन 11C में मिलता है। एंड डी है ए ट्रू एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ द नोटिफाइड गुड्स नीड टू बी केप्ट बाय द पर्सन हु इज इन एसोसिएशन ऑफ गुड्स। ये जो लिखा हुआ है वो सेक्शन 11E में लिखा हुआ है। और ये जो नोटिफाइड डेट वाली बात है उसमें 30 डेज का टाइम नहीं होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स बाय SEZ यूनिट इज परमिटेड अनलेस द शिपमेंट पार्सल इज अकम्पनीड बाय किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय। देखिए नॉर्मली ये बात करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स की। आपको सभी को पता है रफ डायमंड्स जो है वो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट से रेगुलेट होते हैं। ये जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट है इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इश्यू करते थे। बट फॉर SEZs देयर आर सर्टेन प्रोविजन सर्टेन रिलैक्सेशन। उनके लिए ये सर्टिफिकेट डेवलपमेंट कमिश्नर इश्यू करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं द स्पेसिफाइड ऑफिसर द ऑथराइज्ड ऑफिसर द डेवलपमेंट कमिश्नर द अप्रूवल कमिटी। तो योर करेक्ट आंसर इज द डेवलपमेंट कमिश्नर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 एम्पावर्स द प्रॉपर ऑफिसर टू अंडरटेक कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट ऑफ सच गुड्स। कंट्रोल्ड डिलीवरी का कौन सा सेक्शन है? डायरेक्टली सेक्शन की बात करता है कस्टम एक्ट के, तो 109A उसका सेक्शन है। ऑप्शंस देख लेते हैं सेक्शन 109, सेक्शन 105, सेक्शन 1A, सेक्शन 106A। जो करेक्ट आंसर इज सेक्शन 109A। क्वेश्चन नंबर 19। एज पर द कस्टम्स एक्ट 1962 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट। ये कहता है एग्जामिनेशन इन रिलेशन टू गुड्स इनपुट्स मेजरमेंट एंड वेमेंट देयर ऑफ। एग्जामिनेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में एज इट इज। वेयर हाउस गुड्स मीन्स गुड्स डिपॉजिटेड इन ए वेयर हाउस। ये वेयर हाउस गुड्स की डेफिनेशन की करेक्ट है। एक्सपोर्ट गुड्स मीन्स एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये भी करेक्ट डेफिनेशन है एज पर कस्टम एक्ट 1962। इम्पोर्टेड गुड्स इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ये इनकरेक्ट है। इसकी जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेड गुड्स की आप पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स गुड्स brought into India from a place outside India, but does not includes goods which have been cleared for consumption। इसकी definition। तो ये इसमें does not नहीं है इसलिए ये wrong definition है and correct answer है। D is your correct answer। कमिंग टू नेक्स्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इनवॉल्व इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलोडिंग। इनमें से किसके लिए एंट्री इनवॉल्व की जरूरत नहीं है अनलोडिंग के लिए? तो बैगेज एकम्पनिंग ए पैसेंजर क्रू, इसके लिए बैगेज इस बैगेज के लिए पैसेंजर का होता है एंट्री इनवॉल्व की आवश्यकता नहीं होती। एनिमल्स
पेरिशेबल होते हैं, स्पेशल केयर नीड नीडेड होती है, इनके लिए एंट्री एंड वार्ड की जरूरत नहीं है। पेरिशेबल फूड्स के लिए भी एंट्री एंड वार्ड की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर क्लेमिंग रिफंड इज लिवाइड अंडर द अंडर सेक्शन। देखिए, फ्रॉडुलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का बहुत घपला हुआ है पहले, वेल बिफोर 2019। तो उसके लिए जो है 2021 में ये सेक्शन लाया गया कस्टम एक्ट में, 114AC। इस 114AC में जितना इनपुट टैक्स फ्रॉडुलेंटली आपने क्लेम किया है उसका 5 times तक पेनल्टी का प्रोविजन। तो यू कर ऑप्शंस आर सेक्शन 115, सेक्शन 114AC, सेक्शन 114AA, सेक्शन 114AB। सेक्शन 114AC इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017, द बैलेंस ऑफ अनकंज्यूम्ड आर्टिकल्स ऑफ फूड बीइंग फॉर कंजम्पशन बाय द फॉरेन एक्सपोर्ट पर्सन ऑफ एनी एक्सपोर्टिंग कंट्री फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे और इवेंट। बात करता है कि कोई एक्सपोर्ट पर्सन अपनी कंट्री से आया है, अपने साथ फूड को सेल्फ कंजम्पशन लेके आया है, उसके साथ आता है या अलग से शिपमेंट आ जाता है। अब उसमें से फूड बचा हुआ है, उसका क्या किया जाएगा? ए ऑप्शन कहता है कैन बी डोनेटेड टू ए स्पोर्ट्स एसोसिएशन सब्जेक्ट टू द परमिशन फ्रॉम एसेसिंग ऑफिसर फसाई विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बिना ड्यूटी के पेमेंट के लिए पेमेंट लिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन को डोनेट कर दिया जाएगा। शैल बी री एक्सपोर्टेड टू इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन अंडर इंटीमेशन टू एओ फसाई, या री एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन। सी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, खत्म कर दिया जाएगा उसको, डिस्पोज कर दिया जाएगा, उसका निराकरण कर दिया जाएगा। कैन बी डोनेटेड टू द स्पोर्ट्स एसोसिएशन सब्जेक्ट टू द परमिशन फ्रॉम एओ फसाई आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी का पेमेंट लेके स्पोर्ट्स एसोसिएशन को डोनेट किया जा सकता है। देखिए, जो भी आपका फूड शेष रह जाता है, बैलेंस रह जाता है, कंज्यूम नहीं हो पाता है, उसको री एक्सपोर्ट कर देता है एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंप्रोविजन 2017। योर करेक्ट आंसर इज शैल बी री एक्सपोर्टेड टू इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन अंडर इंप्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 23, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एज पर द कस्टम्स वैल्यूएशन डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट थ्रू 2007 डज नॉट मीन। कि जो इंपोर्ट के वैल्यूएशन हैं वो आइडेंटिकल और सिमिलर की बात करते हैं, वहीं एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन जो हैं वो बात करते हैं गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो ये पूछता है कि गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी में क्या 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 शामिल नहीं है, डज नॉट मीन, इसमें इसका क्या मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या नहीं है देख लेते हैं। आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल विद द गुड्स बीइंग वैल्यूड, कमर्शियली इंटरचेंजेबल होगा तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी माना जाएगा, यस करेक्ट। एक्सपोर्ट गुड्स विच आर आइडेंटिकल और सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी एंड रेपुटेशन एज पर द गुड्स बीइंग वैल्यूड, क्वालिटी में रेपुटेशन में जिस माल का वैल्यूएशन किया जा रहा है उसी की तरह का आइडेंटिकल या सिमिलर आइटम होगा तब ये भी करेक्ट है, तब भी उसको गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी माना जाएगा। सी कहता है प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन और ए डिफरेंट पर्सन, ये भी एक कंडीशन है उसमें, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन,
like kind and quality mana jata hai. D, perform the same functions or different functions. Ye same functions ki baat ko correctness ki aadha part or ke pehle wala perform the same functions ye to correct hai, usi tarah ka kaam karta hu. Or different functions, ये डिफरेंट फंक्शंस की बात की इनकरेक्ट, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो है डी, परफॉर्म द सेम फंक्शन और डिफरेंट फंक्शंस, डी इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एन एक्सपोर्टर शैल बी कैटेगराइज्ड एज स्टेटस होल्डर फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर on achieving export performance during the current and previous test financial. कितने सालों का export performance देखा जाएगा gems and jewelry sector को वो star export house की category में का को award करने. तो देखिए नई foreign trade policy पहले जो था normally तो बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को नॉर्मल केसेस में 3 इयर्स का 3 प्रीवियस फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस. बट न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो अपडेट आया है उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए इयर्स का प्रोविजन, तो हम देख लेते हैं 2 इयर्स, 4 इयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर. सो ऑप्शन ए 2 इयर्स इज योर करेक्ट आंसर. ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सारे अपडेट्स ले लिए. क्वेश्चन नंबर 25, कैरी बैग्स मेड ऑफ वर्जिन और रिसाइकल्ड प्लास्टिक हैविंग थिकनेस मोर देन डेस आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड वर्क एंड फोर्स 31st of December 2022 as per plastic waste management 2022 as a matter. देखिए 31st of December 2020 के पहले 75 माइक्रोन थिकनेस का प्लास्टिक के कैरी बैग क्लाउड थे और 31st of December 2020 के पास से 120 माइक्रोन्स के कैरी बैग्स अलाउड. ऑप्शंस देख लेते हैं, ए 75 माइक्रोन्स इनकरेक्ट है, 120 माइक्रोन्स इज करेक्ट आंसर एंड 60 माइक्रोन्स, 90 माइक्रोन्स इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, एज पर कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर रेगुलेशंस limit of the over-the-counter payments for deposit by electronic cash ledger in case of a government department shall not exceed ECL electronic cash ledger. बात करता है उसके रेगुलेशन आए हैं उसके बात करता है. तो ओवर द काउंटर बैंक के काउंटर पे जाके आप कितना पैसा जमा कर सकते हो अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. देखिए रूल 3 का सब 6 उसमें ये लिमिट बताई हुई है. नॉर्मल एंटिटी के लिए 10,000 रुपीज है, गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. ऑप्शंस देखते हैं, 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज, 5 लाख रुपीज. सो डी इज योर करेक्ट आंसर, देयर इज नो सच लिमिट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर री एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 द आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ. जब आप री एक्सपोर्ट करते हो सेक्शन 70 तब आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स आप एस्टैब्लिश करोगे तो किसको सेटिस्फाई आपको करना है, ये बेसिक क्वेश्चन. द कमिश्नर ऑफ कस्टम, देखिए कमिश्नर ऑफ कस्टम की जो कैपेसिटी होती है वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी. तो दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर.
असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ACNDC, दिस इज योर करेक्ट आंसर बाय सेक्शन 74 को अगर आप रिपीट करते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि एसी और डीसी को आपको सेटिस्फाई करना है। और एसी डीसी के व्याप पे प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ प्रैक्टिकली वाले जिनको प्रैक्टिकली एक्सपोजर है तो वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो दिखाते तो एग्जामिनेशन ऑफिसर को ही है, उन्हीं को सेटिस्फाई करते हैं, बट पावर्स किसके पास है? एसी या डीसी के पास। द एग्जामिनिंग ऑफिसर, द असेसिंग ऑफिसर, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, जो बुक में लिखा हुआ है उसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इज करेक्ट, कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? If the assistant commissioner of custom is satisfied that the amount of duty paid by the applicant is refundable, जब ACDC को ये समाधान होता है, जब satisfy होता है कि duty का amount refundable है, under section 27, he may make an order and the amount of duty shall be credited to the, तो वो order pass करेंगे और duty का amount जो है credit किया जाएगा। एक कहता है consumer welfare fund, करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉर्मल केसेस में 27 का 2 कहता है, वो कहता है कि फर्स्टली जो कहता है, फर्स्ट बात जो कहता है कि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड ट्रांसफर कर जाएगी, तो वो ऐसा कर सकता है, ए इज करेक्ट। बट बी क्या कहता है? टू द एप्लीकेंट, इफ सच अमाउंट इज रिलेटेबल द ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर इज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए किसी व्यक्ति ने अगर कोई किया था उसके ड्यूटी का रिफंड है तो उसी व्यक्ति को क्रेडिट कर दिया जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, इज ऑल्सो करेक्ट। सी, टू द एप्लीकेंट इफ सच अमाउंट इज रिलेटेबल टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेएबल अंडर सेक्शन 74 एंड 75, अगर ड्रॉबैक की बात है तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो एप्लीकेंट है 74 और 75 में, ये भी करेक्ट है। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द एबव, सभी करेक्ट है, तो इज योर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। इसके लिए सेक्शन 27 का 2 पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट आंसर, डीम्ड एक्सपोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर टू गुड्स ट्रांजेक्शंस इन विच गुड्स सप्लाइड आर डीम्ड एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किन ट्रांजेक्शंस को रेफर करता है जहां गुड्स जिसकी सप्लाई की जा रही है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड डू नॉट लीव द कंट्री, इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हो और इंडिया से बाहर ना जाए, पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली, फॉरेन एक्सचेंज में ही उस सप्लाई के पैसा है, पेमेंट है, वो रिसीव किया जाए। तो देखिए, अब पहली जो कंडीशन है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड डू नॉट द कंट्री, डीम्ड एक्सपोर्ट कहते ही उसी को है जब आपका माल इंडिया से बाहर आ जाए। हाउएवर देयर इज नो मेंशन दैट गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड, बट स्टिल सिंस द डेफिनेशन ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सेज दैट इट शुड नॉट लीव द कंट्री, तो हम इसको फर्स्ट को करेक्ट मानते हैं। पेमेंट ऑफ द सप्लाईज इज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली, तो INR में भी इसका पेमेंट किया जाता है एक्सपोर्ट का, तो ये कंडीशन सेकंड है तो करेक्ट नहीं। ऑप्शंस देखते हैं, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली वन एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ वन एंड टू आर ट्रू, नीदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू, so your correct answer is A, only one is true, first is true. Question number 30, under customs act 1962 an application to settlement commission to settle the case can be made, settlement commission ko settlement of case ke liye application apply kiya ja sakta hai custom act ke antargat,
तो ये कहता है बिफोर द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट, एडजुडिकेशन के प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के पहले, करेक्ट है आपका। सेकंड कहता है आफ्टर द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट, जब एडजुडिकेशन हो जाता है तब आप सेटलमेंट कमीशन जा सकते हैं, आप जा सकते हो सिर्फ अपील में, तो ये इनकरेक्ट है। बिफोर द एक्सेप्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी बाय एप्लीकेंट इज पेड, और सेटलमेंट कमीशन में आप तभी जा सकते हो क्योंकि वो सरेंडर करने की फॉर्म है, तो जब तक आप एडिशनल ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसका पेमेंट नहीं करोगे, आप नहीं जा सकते, तो करेक्ट है। बिफोर द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस के इशुएंस के पहले आप नहीं जा सकते सेटलमेंट कमीशन, तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एनी मिस डिक्लेरेशन इन द आईजीएम वुड मेक द गुड्स कंसर्न लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन, देखिए 111 जो है कॉन्फिस्केशन की बात करता है ऑफ मिस डिक्लेयर्ड आईजीएम, पर 111 में भी इन स्पेसिफिकली एफ जो है वो बात करता है मिस डिक्लेरेशन of the Customs Act 1962 and the person concerned liable to penalty under section 112 में penalty लगती है उसके लिए of the Customs Act 1962। जब भी आप कोई misdeclaration करते हो तो अगर import का मामला है 111 में confiscable हो जाएगा, penalty लगेगी 112 में, अगर export का मामला है 113 में तो liable हो जाएगा confiscation के और पेनल्टी लगेगी 114 में, तो 100 का एफ स्पेसिफिकली इसके लिए प्रिस्क्राइब है, सेक्शन 111 एफ, सेक्शन 112 इज योर करेक्ट आंसर, एंड अदर ऑप्शंस आर सेक्शन 111 एफ, सेक्शन 30, सेक्शन 30 आ गया है तो ये इनकरेक्ट है, और सेक्शन 30, सेक्शन 30 गलत है, सेक्शन 30, सेक्शन 112। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैव रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द गुड्स, देयर मैनर ऑफ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज मे एग्जेम्प्ट ए क्लास ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ वेयरहाउस कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स रेगुलेशन 2016। देखिए ये एक रेगुलेशन है, वेयरहाउस कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स रेगुलेशन 16। अब ये कहता है Which of the following authorities having regard to the nature of goods, their manner of transport or storage may exempt a class of goods from any of the provisions of warehouse custody and handling regulation? कौन सी अथॉरिटी को ये पावर है कि इस रेगुलेशन में मेंशन प्रोसीजर को फॉलो करने में एग्जेम्पशन दे सकती है? तो देखिए जितने भी ये रेगुलेशन है 2016 के वेयरहाउसिंग से रिलेटेड, उसमें सीबीआईसी को सिर्फ पावर है, बोर्ड को सिर्फ पावर है तो वो एग्जम्प्ट कर सकती है। तो ए कहता है ज्यूरिडिक्शनल एडिशनल कमिश्नर वो, ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर दैट इज आल्सो ए नो, सीबीआईसी बोर्ड यस, एंड ज्यूरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर इज आल्सो ए बिग नो, सो योर करेक्ट आंसर इज सी, सीबीआईसी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट ए, ए डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज फाइनल एंड नॉन अपीलेबल। देखिए किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर नॉन अपीलेबल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वो भले प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम हो, इनफैक्ट जो सी स्टेट का ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में भी आप जा सकते अपील। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अपील द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम विद एन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। कमिश्नर से नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं सबकी अपील कमिश्नर अपील क्या हो। अब यहां बात करता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम के यहाँ अपील फाइल कर सकते, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को अपील सुनने का
कोई पावर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ, इनमें से किन किन ऑफिसर्स को, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो कस्टम ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए एम्पावर्ड, किसी काम के एग्जीक्यूशन के। तो सेक्शन 151 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 151 जो कहता है कि ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ऑफिसर्स ऑफ नेवी, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट और एनी of government employees, they are bound to follow the guidelines of custom officers while they are working under custom set. So all of the above is your correct answer. कौन कौन से officer assist करेंगे, ये सभी officers assist करेंगे under section 1. Question number 35. As per Customs Audit Regulations 2018, which of the following is correct? Custom Audit Regulations 2018 में के अनुसार इनमें से क्या करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है? The proper officer may conduct audit in his office. Definitely अपने ऑफिस में ऑडिट कंडक्ट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। The proper officer may conduct ऑडिट एट द प्रमाइसेस ऑफ एन ऑडिटी, ऑडिटी के प्रमाइसेस में भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, ये भी करेक्ट है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल कंप्लीट ऑडिट इन केसेस वेयर इट इज कंडक्टेड एट द प्रमाइसेस ऑफ द ऑडिटी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट, ये इनकरेक्ट है। रीजन क्या है कि 30 डेज में उसको ऑडिट कंप्लीट करने का प्रोविजन और यहाँ लिखा हुआ है 45 डेज, दिस इज इनकरेक्ट, सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ पेट एनिमल्स अलाउड टू बी इंपोर्टेड एज बैगेज बाय पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग देयर रेजिडेंस, सो दो पेट एनिमल्स कोई भी पैसेंजर जो अबव 18 इयर्स ऑफ एज है वो टू पेट एनिमल्स अपने साथ ला सकता है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। तो ऑप्शंस आर ए टू और विदाउट एनी इंपोर्ट ऑथराइजेशन जो करेक्ट आंसर, एंड थ्री विदाउट एन इंपोर्ट ऑथराइजेशन इनकरेक्ट, टू विद एन इंपोर्ट ऑथराइजेशन अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के अलावा अगर आप आओगे तो इंपोर्ट ऑथराइजेशन लेना होता है, इसमें इंपोर्ट ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। वन विद एन इंपोर्ट ऑथराइजेशन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ तुरंत सुविधा केंद्र, तुरंत सुविधा केंद्र में क्या नहीं किया जा सकता? डिफेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, परमिट, लाइसेंस, वेयर एवर रिक्वायर्ड, ये किया जाता है तुरंत सुविधा केंद्र में, डिफेसमेंट किया जाता है। एक्सेप्ट बॉन्ड और बैंक गारंटी, इसी के लिए बनाया गया है बॉन्ड और बैंक गारंटी को एक्सेप्ट करने के लिए। डेबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, परमिट, लाइसेंसेस, वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो डेबिट भी किया जाता है तुरंत सुविधा केंद्र में। देखिए जो भी फिजिकल कॉपीज होती हैं डॉक्यूमेंट्स, जो भी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं एफएजी को, वो तुरंत सुविधा केंद्र के थ्रू होता है। अब डी जो कहता है एक्सेप्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर असेसमेंट, बिल ऑफ एंट्री का एक्सेप्टेंस असेसमेंट के लिए, ये तुरंत सुविधा केंद्र का काम नहीं है, सो डी जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स के संबंध में क्या करेक्ट है? इट इज प्रोविजनल असेसमेंट, देखिए प्रोविजनल रिलीज जो गवर्न होती है वो 110 ए से हो, और प्रोविजनल असेसमेंट होता है वो सेक्शन 18 में होता है, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो ये प्रोविजनल असेसमेंट नहीं है। इट इज डन अंडर सेक्शन 18 ऑफ कस्टम एक्ट,
ये भी इनकरेक्ट है, 18 में नहीं होता। बोथ ए एंड बी करेक्ट है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑन गुड्स दैट आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर द क्लेम ऑफ एक्सपोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962 शैल नॉट एक्सीड द रिफंड। मैंने आपको बताया था अभी अभी 2021 में 114 AC एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था, जिसमें 5 times की पेनल्टी, जितना ITC आपने क्लेम किया हुआ है उसका 5 times आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, अगर वो फ्रॉडुलेंटली आपने क्लेम किया है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। तो योर करेक्ट आंसर इज ए 5 times, बी 4 times, सी नो लिमिट, डी 3 times, ऑल आर इररिलेवेंट, ए इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, द डीम्ड डेट फॉर ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम बाय द एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट शैल बी, देखिए जब आप एक्सपोर्ट बाय पोस्ट करते हो तब ड्रॉबैक फाइलिंग की डेट किस डेट को मानी जाए। ऑप्शन ए कहता है 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पार्सल, 15 डेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम फ्रॉम बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम फ्रॉम द पोस्टल अथॉरिटीज, पोस्टल अथॉरिटीज से जब ड्रॉबैक का क्लेम कस्टम ऑफिसर को प्राप्त होगा मिलेगा, तो वो डेट ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ड्रॉबैक का क्लेम उसी दिन रिसीव्ड माना जाता है, उसी दिन फाइल माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 75A, जिस डेट को पोस्टल अथॉरिटीज ड्रॉबैक का क्लेम प्रॉपर ऑफिसर के सामने ड्रॉबैक के पेपर्स ले जाके प्रेजेंट करें। सी द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेफिशिएंसी रिपो, उसके बाद डेफिशिएंसी इशू होता है, तो ये इनकरेक्ट है। द डेट ऑफ डिलीवरिंग टू द कॉम्पिटेंट पोस्टल अथॉरिटी अलॉन्ग विद द पार्सल और ए पैकेज ए क्लेम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो पोस्टल अथॉरिटीज के पास आप डिलीवर करते हो, That is for another purpose. पर drawback के लिए जब postal authorities proper officer के पास document submit कर देते हैं तब माना जाता है claim file। Question number 41, as per deferred payment of import duty rules 2016, who shall not be allowed to make the deferred payment? किसको deferred payment की facility नहीं allowed जाएगी? तो deferred payment of duty import 2016 की बात करता है, तो कब डिफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी हटा ली जाएगी, उसको पार कर दिया जाएगा आपके एलिजिबल इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तब एन एलिजिबल इंपोर्टर हु फेल्स टू पे ड्यूटी इन फुल बाय ड्यू डेट मोर देन वंस इन ए पीरियड ऑफ 3 consecutive months, ये करेक्ट आपका ऑप्शन है कि एक बार से ज्यादा किसी भी 3 महीने के पीरियड में लगातार पीरियड में अगर एलिजिबल इंपोर्टर एक बार से ज्यादा ड्यूटी के पेमेंट में गलती करता है, मतलब एक बार से ज्यादा वो चूक करता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी खत्म करके जितना भी ड्यूटी का पुराना पेमेंट है विद इंटरेस्ट से वसूल किया जाएगा। भी कहता है एन एलिजिबल इंपोर्टर हु फेल्स टू ड्यूटी इन फुल by due date more than once in a period of 6 consecutive months, so 6 months ye incorrect hai. An eligible importer who fails to pay duty in full by due date more than twice in a period of 3 consecutive months, twice ka koi concept nahi hai, once ka concept hai. An eligible importer who fails to pay duty in full by due date more than twice in a period of 6 consecutive months, so ye to totally incorrect hai. Correct answer is A. Question number 42, as per customs electronic cash ledger regulations 2022, the deposit challan form CL2 so generated for making a deposit in the electronic cash ledger shall be valid for a period of, okay, again ECL electronic cash ledger regulation 3, first sub regulation 5, ECL2 की बात करता है, और ECL2
जब जनरेट किया जाता है तो वो 15 डेज के लिए वैलिड होता है, 15 दिन होते हैं। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 15 डेज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी एंड टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर कस्टम ब्रोकर शुड मैंडेटरीली डिक्लेयर द यूनिट क्वांटिटी कोड यू सी इन द बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल एज इंडिकेटेड इन। देखिए यू क्यू सी जो मेंशन है वो कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट के बाद यू क्यू सी दिया हुआ है यूनिट क्वांटिटी। और एचएस कोड के सामने भी प्रिस्क्राइब है यूसी, एक पर्टिकुलर एचएस कोड के लिए एक पर्टिकुलर यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड प्रिस्क्राइब है, कहां द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो ऑप्शंस जो है आपके द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, दिस इज योर करेक्ट आंसर। द कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। FTDR, Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, इसमें भी कोई प्रोविजन नहीं है। Legal Metrology Act 2009, ये जो है MRP स्टिकर्स की बात करता है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है सिक्का। So your correct answer is A, the Custom Tariff Act 1975. Coming to next question number 44, relevant date for determining the rate of exchange for bill of entry for warehousing will be, warehousing के bill of entry उसके लिए rate of duty, sorry rate of exchange कैसे decide हो, कौन सी date का किस date का rate of exchange दिया जाएगा सवाल। The date of bill of lading, bill of lading date से देखा जाएगा, गलत है। द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग ये करेक्ट है। सेक्शन 14 कहता है कि जब आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की जाएगी उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज दिया जाएगा। तो यहां जो बात करता है तो वो बात करता है द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है आपका। एंड सी कहता है द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन जिस डेट को किया जाएगा उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज जाएगा, तो ये गलत है। सेक्शन 68 भी ये कहता है कि जो एक्सचेंज रेट लिया जाएगा वो पहले जब आपने वेयरहाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी इंटू वन बिल ऑफ एंट्री का एक्सचेंज रेट किया जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। एंड डी कहता है द डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड, दिस इज लाइक द डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड इसके बारे में बात नहीं करता है, एंट्री इन वर्ड के बारे में हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड्स एनफोर्समेंट गुड्स 2007 आर नॉट एप्लीकेबल, IPR कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। ए गुड्स ऑफ कमर्शियल नेचर कंटेंट इन पर्सनल बैगेज, पर्सनल बैगेज में कमर्शियल नेचर का गुड्स अलाउड नहीं होता। तो माल जो कमर्शियल नेचर में आया हो पर्सनल बैगेज में उस पर IPR लागू नहीं होगा। तो चूंकि कमर्शियल नेचर का गुड्स आपके बैगेज में आता ही नहीं है इसलिए ये अलाउड है, ऑप्शन ऑप्शन आपका गलत है। Goods sent in small consignment intended for personal use of the importer, personal use के लिए importer अगर छोटी छोटे consignment लाता है personal use के लिए तो वो उस पर IPR नहीं लगेगा, this is correct। And both A and B is incorrect, none of the above is also correct, so your correct answer is B. Goods sent in small consignments intended for persons. Coming to question number 46, as per the provisions of the Custom Act, the proceeds of confiscated goods sold by public auction tender, public auction or tender से जो माल custom
सेल आउट करता है, बेचता है, ऑप्शन करता है, उसका जो सेल प्रोसीड आता है, उसका जो पैसा आता है बेचने के बाद जो पैसा आता है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में सेक्शन 150 कस्टम एक्ट वो हमें बता दें। तो सबसे पहले सेल के एक्सपेंसेस, फिर फ्रेट चार्जेस, फिर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन एक कहता है पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस ऑफ द कस्टोडियन। तो कस्टोडियन तो सबसे लास्ट में है, पर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी सबसे पहले नहीं है, सेल के चार्जेस सबसे पहले है। बी कहता है पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस टू द कस्टोडियन, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, कस्टोडियन के चार्जेस फिर से फिर आगे आ गए हैं, सबसे पहले आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। सी जो है वो कहता है पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल, ये करेक्ट है, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस ये भी करेक्ट है, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ये भी करेक्ट है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। डी कहता है ड्यूटी, पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस टू द कस्टोडियन, पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ सेल, इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं है पहली बात, दूसरी बात फ्रेट चार्जेस को सबसे पहले लिया हुआ है, जबकि सबसे पहले जो एक्सपेंसेस ऑफ सेल होते हैं वो उनका पेमेंट किया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। द टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स वेयर ड्रॉबैक हैज बीन क्लेम्ड, द पीरियड अलाउड अंडर द जिस एक्सपोर्ट पे आपने ड्रॉबैक क्लेम किया हुआ है उसका सेल प्रोसीड कितने टाइम में आ जाना चाहिए और वो किस एक्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए सेल प्रोसीड जो आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आता है, पहले आपका फेरा हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में ये 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किया फेमा हुआ। तो ए ऑप्शन है सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, सेक्शन 74 में भी कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो फेमा में आ जाना चाहिए, कितना टाइम है 9 मंथ्स का टाइम में आपका रियलाइज हो जाना चाहिए एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड। डीजीएफटी रूल्स इनकरेक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट इनकरेक्ट है, जो करेक्ट आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड्स एनफोर्समेंट रूल्स 2007, बेस्ड ऑन द नोटिस गिवन बाय द राइट होल्डर हु इज द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम फॉर सस्पेंडिंग द क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स सस्पेक्टेड टू बी गुड्स इंफ्रिंजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायोलेशन में कोई मालूम हुआ और उसके क्लियरेंस को सस्पेंड करने के पावर्स किसके पास है। तो देखिए जो आईपीआर है, आईपीआर के हैं, उसमें एसी और डीसी को पावर्स, ऑप्शन आर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल कमिश्नर, अपराइजिंग ऑफिसर। तो एसी या डीसी को ये पावर्स, योर करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 49, इन केस ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर बैगेज and goods imported by post and bill often try has been presented before the date of entry inward, what will be the date for determination of rate of duty? In case of goods entered for home consumption, agar home consumption ke liye माल एंटर हुआ, एक्सेप्ट फॉर बैगेज, बैगेज के अलावा, एंड गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट, बाय पोस्ट के अलावा, बिल ऑफ एंट्री, ये बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड, एंट्री इन वर्ड के पहले बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर दी गई, मतलब प्रायर में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, व्हाट विल बी द डेट फॉर डिटर्मिनेशन रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी डिटर्मिनेशन डेट क्या होगी अगर प्रायर बिल ऑफ एंट्री है और आने के पहले सबमिट
कर दी गई है माल के पहुंचने के पहले, तो एंट्री इनवर्ट की डेट बिल ऑफ एंट्री इनवर्ट की डेट से रेट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। तो डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इनकरेक्ट है, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट ये करेक्ट है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री चूंकि फाइल तो आपका 20 डेज वेल बिफोर 30 डेज तक आप कर सकते हो, तो डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट कंसीडर की जाती है। डेट एज ऑप्टेड और रिक्वेस्टेड बाय द इंपोर्टर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसमें इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ऑप्ट कर सके। करेक्ट आंसर इज डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, एज पर पोस्टल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द टर्म ऑथराइज्ड एजेंट। पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2022 नए रेगुलेशन है, 10 साल रहे हैं, तो कहता है उसमें ऑथराइज एजेंट कौन हो सकता है। देखिए कस्टम के पर्पज के लिए ऑथराइज एजेंट जो होता है, और वो भी क्लियरेंस के लिए, आपको अच्छे से पता है ऑथराइज एजेंट CHA होता है और जी कार्ड होल्डर होता है। जी कार्ड होल्डर तभी होगा जब CHA काम कर रहा होगा, उसके यहाँ एम्प्लॉय होगा। तो ए इज ए पर्सन ऑथराइज बाय एन एक्सपोर्टर हु हैज ए वैलिड लाइसेंस अंडर द कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस। तो CHA जिसके पास लाइसेंस है कस्टम ब्रोकर का, वो हो सकता है, बस हो सकता है। बी इट इंक्लूड्स एन एम्प्लॉई ऑफ द कस्टम ब्रोकर हु हैज बीन इशूड ए फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन फॉर्म जी में जिसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है और वो कस्टम ब्रोकर के यहाँ जॉब करता है, एम्प्लॉई है उसका, हो सकता है। तो करेक्ट है, हो सकता है। सी कहता है बोथ ए एंड बी अबव ये करेक्ट है, क्योंकि ए कस्टम ब्रोकर भी हो सकता है, बी जी कार्ड होल्डर भी आपका ऑथराइज एजेंट हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी, ये जो सी ऑप्शन कहता है ये करेक्ट आंसर है, एंड डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अपने आपके पेशेंस के लिए थैंक यू, आपने टाइम निकाल के उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आपकी सर्विस में लेके आऊंगा, और हमारे बैचेस जो हैं वो एफ कार्ड एग्जाम के लिए 15 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गए। हमारा सारा प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, एक्सेप्ट के इंटरव्यू क्लासेस के वो हाइब्रिड हो, अदरवाइज रिटन का एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस के होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। टाइमिंग हमारी नॉर्मली फिक्स होती है 7:30 AM to 9 AM। ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर से, तो अभी आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपनी सीट सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।